पनामा गेट मामले में फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। संयुक्त जांच दल ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इसके बाद अपनी कुर्सी जाने का डर देखते हुए नवाज शरीफ ने पंजाब के मुख्यमंत्री और भाई शहबाज शरीफ के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं को बैठक के लिए बुलाया। हालांकि शरीफ की सरकार जाने से भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय करार को झटका भी लग सकता है। इससे इस्लामाबाद में नए खिलाड़ी होंगे जिसके बाद नई देश नीतियां बनेंगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के शीर्ष नेताओं की इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में शहबाज शरीफ के शामिल होने के बाद से उन्हें नवाज का उत्तराधिकारी बनाए जाने पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वेबसाइट ने एक सीनियर लीडर के हवाले से लिखा है, शहबाज शरीफ संभल कर चल रहे हैं, वह प्रधानमंत्री और अपने भाई नवाज शरीफ के साथ पूरी तरह खड़े दिख रहे हैं। पार्टी में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नवाज को अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद के अयोग्य ठहराए जाने के बाद उनके भाई शहबाज उनके उत्तराधिकारी बनेंगे। हालांकि इसके बाद की परिस्थितियों को लेकर चिंता भी जाहिर की गई है। शहबाज पंजाब प्रांत को अपने पास से जाने नहीं देना चाहते। इसके बाद क्या पार्टी के दूसरे नेता उनके नेतृत्व को स्वीकार कर सकेंगे, इस पर भी संशय बरकरार है।